जोधपुर के काली बेरी खान में एकत्रित पानी में डूबने से बच्चों की मौत की घटना के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचकर बच्चों को परिवारजनों को ढांढस बंधाया है और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि कालाबेरी खान में एकत्रित हुए पानी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और हादसे की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर तुरंत MGH मौसरी पहुंचे, जहां पर बच्चों के परिजनों ने उन्हें बताया कि जब बच्चे सोमवार रात को घर नहीं पहुंचे तब परिवार के लोग मंगलवार सुबह पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और जाँच के दौरान पुलिस ने एक खान मजदूर से प्राप्त जानकारी के आधार पर कालबेरी खान में एकत्रित पानी से बच्चों के शव बरामद कर MGH मौसरी पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर ने बच्चों को जो परिजन हैं उनको सहायता का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिला कलेक्टर के साथ ही ADM सिटी रामचंद्र गरवा भी मौजूद रहे। खबर झुंझुनू से है, जहां पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में मंगलवार मदरसा शिक्षा सहयोगियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें 125 शिक्षा सहयोगियों ने भाग लिया और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अनीस द्वारा कार्यालय जो कार्यशाला है उसके उद्देश्यों और अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार, मदरसों में नामांकन और वृद्धि के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ उनके आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मदरसों में नामांकन वृद्धि के लिए जरूरी कदम उठाने, मदरसों के बाहर आवश्यक साइन बोर्ड लगाने और मदरसों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और उनके जरूरी कागजात तैयार करने जैसे भूमि पंजीकरण के लिए निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि हम जागरूक लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी और तभी समाज शिक्षा की ओर बढ़ेगा और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज में कार्य करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पीलीबंगा पहुंचने पर उन्हें हल्वा